हेलो बच्चों, आज हम करने जा रहे हैं जेंडर। जेंडर जैसे आपको पता है, जो हमें ये बताता है कि ये लड़का है या लड़की, मम्मी है या पापा, दादा है या दादी। जैसा आप देखते भी हैं, आप किसी सिनेमा घर में जाते हैं या स्कूल में या कहीं अलग, आप कहीं भी जाते हैं और वहाँ का वॉशरूम अगर आप यूज करते हैं, तब आपको वॉशरूम पे एक प्लेट आपको दिखाई देगी जहां पर या तो किसी गर्ल की पिक होगी या बॉय की पिक होगी, या ही लिखा होगा या सी लिखा होगा। इसे हम पता करते हैं कि ये बॉयज का वॉशरूम है या गर्ल का वॉशरूम है। ओके, तो आज हम कुछ जेंडर करेंगे और उनकी स्पेलिंग कैसे इजीली हम याद कर सकते हैं वो हम लर्न करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट मैंने लिया है फादर। फादर का जेंडर क्या होता है? मदर। तो देखिए स्पेलिंग में क्या सिमिलर है। एम ओ टी एच ई आर, मदर। ओके, अब देखिए फादर एफ ए, आगे अब की स्पेलिंग क्या है? टी एच ई आर, और यहाँ की भी स्पेलिंग क्या है? टी एच ई आर। मतलब इतनी स्पेलिंग आपकी सेम है, सिर्फ आपको एफ ए कट करके आगे ऐड कर देना है एम ओ, तो आपका फादर का क्या बन जाएगा? मदर। ओके, मैन वी मैन, इसके लिए हम पहले मैन की स्पेलिंग राइट कर लेंगे। ओके, और आगे ऐड कर देंगे डब्ल्यू ओ, वुमेन। ठीक है, तो पहले क्या लिखेंगे हम? डब्ल्यू ओ, फिर जो स्पेलिंग मैन की है वो राइट कर देंगे, तो हमारा मैन का जेंडर क्या बन जाएगा? वीमेन। अब देखिए किंग, किंग की स्पेलिंग क्या होगी? इसका जेंडर क्वीन, क्या हो? यू डबल ई एन, क्वीन। ओके, कोक हैन, एच ई एन हैन। हैन की स्पेलिंग तो आपने आपकी ई वोवल साउंड में जरूर सीखी होगी। अब सर, सर का जेंडर क्या होता है? मैडम, और मैडम की स्पेलिंग आप इजीली याद कर सकते हैं। करना क्या है आपको, यहाँ पे कैपिटल एम राइट किया है मैंने, फिर आपको ट्रिपल ई राइट कर देना है, फिर स्मॉल एम राइट कर देना है। और ट्रिपल ई हमने राइट किया, इस वाले को हम डी बना देंगे, तो किसकी स्पेलिंग बन गई? मैडम की। हुई ना आसान? ठीक है, तो आज हमने सीखा फादर, मदर, मैन, वीमैन, किंग, क्वीन, कुक, हैन, सर, मैडम। आपको कोई स्पेलिंग लर्न नहीं हो रही है तो उस स्पेलिंग को आप छोटा छोटा बांट लो। अगर आप समझ के स्पेलिंग को लर्न करेंगे तो आपको जल्दी से लर्न हो जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप इन वर्ड्स को अपने नोटबुक में राइट डाउन करेंगे और प्रैक्टिस करेंगे। बाय बाय।